Hey everyone, कैसे हैं आप लोग? Welcome back to my channel, Nomadic Explorista. मेरा नाम सुहान है and आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस विद DJI Avatar 2. अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो मैंने DJI Avatar 2 परचेस किया था बैंकॉक थाईलैंड से, जिसको लेकर मैं वापस इंडिया आया था. क्योंकि ये FPV ड्रोन है, इसको थोड़ा ट्रेनिंग लगता है. मिनी 4 प्रो जो है मेरे पास ऑलरेडी, वो एकदम बेसिक सा था, उसमें ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं थी. आपको रिमोट कंट्रोल में सारा दिख जाता है, बहुत इजी था. लेकिन FPV ड्रोन आप जो गॉगल पहन के फ्लाई करते हो, गॉगल 3 एंड मोशन सेंसर जो है इसका, उसके ऊपर डिपेंड होता है सारा. कैसे आप फ्लाई करते हो, कैसा आपका एक्सपीरियंस होता है, सब कुछ उस पर डिपेंड होता है. तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट ड्रोन है. तो मैंने डिसाइड किया कि अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ. तो पहले जो वीडियोज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो ये वीडियोज़ अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स पर रिकॉर्ड किए हैं मैंने. आप देख सकते हो सेम व्यू आपको गॉगल 3 में भी आएगा. गॉगल 3 में आप जब फ्लाई करते हो Avatar 2 को, वीडियो क्लैरिटी उतना अच्छा नहीं है, स्टेबलाइजेशन उतना आपको समझ में नहीं आएगा. लेकिन जब उसका आउटकम आता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, वो आगे आपको वीडियो में दिखेगा. दो चीज़ें मुझे यहाँ पर समझ में आई. पहला, जो इसका जो एक्रोबैट मूव्स है, फ्लिप एंड बैकलिफ्ट दोनों ट्राई किया हमने. स्लाइड वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी, हम स्टिल उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं. जैसे हमें समझ में आएगा या जैसे हम सीखेंगे उसको, मैं आपको बताते रहूँगा. एंड दूसरा जो है, हैवी विंड में अगर आप ड्रोन फ्लाई करते हो तो कैसा एक्सपीरियंस होता है. अभी फिलहाल साउथ में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है एंड बहुत विंडी है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्रोन फ्लाई करने के टाइम पे ऑटोमेटिकली ड्रोन विंड पावर की वजह से लेफ्ट साइड चला जा रहा है या ऐसा क्रॉस हो जा रहा है. तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना, जब आप फर्स्ट टाइम फ्लाई करोगे, पहले बिगिनर मोड में रहेगा, तब आपका ड्रोन बहुत बहुत स्लो चलने वाला है. आपको लगेगा गॉगल 3 पहनने के बाद कि फास्ट जा रहा है, लेकिन रियलिटी में बहुत बहुत स्लो होता है. तो जैसे थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाए एंड आप थोड़ा यूज टू हो जाओ, उसके बाद इसको बिगिनर मोड से निकाल देना, उसके बाद देखना स्पीड बहुत बहुत मस्त है. एक्चुअल वीडियोज़ जो मैंने डाउनलोड करके देखे बाद में, एकदम बढ़िया. तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में, बस आपके साथ शेयर करना चाहता था कैसा मेरा पहला एक्सपीरियंस है. जैसे जैसे और मैं सीखते रहूँगा या नया कुछ आता रहेगा, मैं आपको बताते रहूँगा. तो बस देखिए वीडियो, एंजॉय कीजिए एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में. बाय बाय.